सत सत नमोस्तु करते हुए, नमन करते हुए, माँ के अंतिम शब्द थे कि स्वास्थ्य के बारे में उनको चिंता नहीं थी। स्वतंत्र भैया को टेलीफोन पे यही कहा कि आचार्य श्री से कहना भगवान बना जाए, ये कर्तव्य आचार्य श्री हम पूरा करने के लिए तन मन धन से समर्पित हैं, लेकिन ये कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही संभव होगा। आपका आशीर्वाद मिले, ये पूरी राजस्थान की पूरी ये समाज आपके चरणों में नतमस्तक है। एक आवाज में एक ट्रेन पूरी भर के आई है और साथ में वापस लौटाना इसलिए पड़ा कि पेनल्टी के बावजूद भी टिकट नहीं उपलब्ध थे। आपके चरणों में पुनः पुनः विनम्र निवेदन है, एक बार राजस्थान की ओर, अजमेर की ओर, जहां से आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, वहां एक बार जरूर आप दृष्टि दिखाने। ये हो सकता है कई भव्य जीव वहां से और आगे बढ़े, और मैं भी आपके चरणों में ये विनती करता हूं कि मेरा मोक्ष मार्ग भी प्रवक्त हो और आपका अजमेर में प्रवास हो, ऐसी भावना से संग आपका अजमेर में प्रवास हो। इन्हीं भावना के साथ आपके चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन। आदरणीय साधना भाभी से आग्रह है कि वे दो शब्द कहें। साधना भाभी, उनका मन रह गया है, उन्होंने बहुत तैयारी की थी। साधना भाभी बोली, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी बोल महाराज की जय। छोटे बाबा रे, छोटे बाबा रे, पधर स्वामी मोरे अंगना रे, निहार स्वामी मोरे अंगना रे। छोटे बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जाने तो दो भाई अब तक। अरे परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अजमेर की धरा ने आप पर बहुत बड़ा उपहार अजमेर की धरा ने किया है। अजमेर की धरा ने आपको संयमा का मार्ग दिखाया है गुरुवर, इसलिए अजमेर की धरा का कल्याण करने का भी दायित्व आपका है गुरुवर, इसलिए अजमेर पधारे। अजमेर समाज की ओर से निवेदन करता हूँ, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। Thank you.